हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्रणव ओझा और आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको दिखाने वाला हूं कि व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन ऑपरेटिंग लीवरेज और फाइनेंशियल लीवरेज। दोस्तों इस पे मैंने क्वेश्चंस पे मैंने पूरे वीडियो बनाया हुआ है, तो आप जाके वो भी देख सकते हो कि किस तरह से वो प्रॉब्लम्स और सॉल्यूशंस जो है वो सम सॉल्व होने हैं। इसके अंदर मैंने ये भी बताया है कि भाई जो लास्ट पेपर्स में जो क्वेश्चन पूछे थे उसको किस तरह से सॉल्व करना है। बट हालांकि ये वीडियो ही सिर्फ मैं थियरी बेस पे, क्योंकि यार ये थियरी आ जाती है 3 मार्क या 5 मार्क के अंदर हम सम करके जाते हैं ऐसा पूछा होता है, तो वहाँ पे हमारे बहुत सारे मार्क्स जो होते हैं वो लूज हो जाते हैं, तो इसलिए ये रखा हुआ है। ऑपरेटिंग लीवरेज का ऑब्जेक्टिव होता है सेल्स को बढ़ाना। अंडरस्टैंड दिस और नॉट, के सेल्स को बढ़ाने के लिए, ऑपरेट करने के लिए, जैसे अमेजोन है वो बहुत बड़े पैमाने पे ऑपरेट कर रहा है, ऑपरेटिंग लीवरेज हो जाता है। जबकि फाइनेंशियल लीवरेज जो होता है वो प्रॉफिट बढ़ाने के लिए, अर्निंग्स बढ़ाने के लिए, ये सिर्फ इसके लिए ही होता है, तो ये अपने को याद रखना है। अब यहाँ पे रिलेशनशिप भी, अगर ये सेल्स है तो ये प्रॉफिट और सेल्स पे होगा। अब ये रिलेशनशिप यहाँ पे अर्निंग है तो अर्निंग इक्विटी शेयर होल्डर के रिलेशनशिप में होगा, तो इसके हिसाब से आपके दो जो है वो ऑप्शंस हो गए। अब बाकी जाते हैं आगे, यहाँ पे लिखा है कि मेजरमेंट, तो यहाँ पे मेजरमेंट इस तरह से होता है कि फिक्स कॉस्ट को हम लोग कैसे यूज करेंगे और अल्टीमेटली यहाँ पे हमारा काम जो होता है प्रॉफिट बढ़ाना, लेकिन कौन सा प्रॉफिट अपने को बढ़ाना है, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट यहाँ पे बढ़ाना है। ऑन द अदर हैंड ये इक्विटी शेयर होल्डर्स का जो होता है, यहाँ पे ये मेजरमेंट इक्विटी शेयर होल्डर्स के अर्निंग को बढ़ाने के लिए हो जाता है, तो ये उसका अर्निंग को बढ़ाने के लिए हो जाता है। अब यहाँ पे इट रिलेट्स टू, ये एसेट साइड हो गया, तो यहाँ पे ये क्या कौन सी साइड आ जाएगा, लायबिलिटी साइड आ जाता है, क्योंकि यहाँ पे रिजर्व वो सारी चीजें आएगी। इफेक्ट ऑन इनकम, तो यहाँ पे इनकम फ्रॉम द फर्म एंड प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, तो ये प्रॉफिट इंटरेस्ट टैक्स के बाद होता है, यहाँ पे ये हो जाएगा बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, यहाँ पे ये हो जाता है आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स, तो इस तरह से भी आप बी ए करके आप रिस्क कर सकते हो। नेक्स्ट टॉपिक है रिस्क, तो रिस्क यहाँ पे क्या हो जाता है कि भाई फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट को हम लोग कवर नहीं कर सकते हैं यहाँ पे, तो क्या हो जाता है कि वी आर इंटरेस्ट ऑन डेप्ट या प्रेफरेंस डिविडेंड, देखो इंटरेस्ट आ जाएगा तो इंटरेस्ट ऑन डेप्ट डिवेंचर वो लिख देना है, और सेकंड जो यहाँ पे लिखा है कि प्रेफरेंस शेयर्स का डिविडेंड, तो उन सब के ये रिस्क होता है इसके अंदर। नेक्स्ट डिसीजन, तो भाई इन्वेस्टमेंट करना है कि नहीं करना है, और ये तो कैपिटल स्ट्रक्चर किस तरह से करना है, थोड़ा सा डिटेल में जाएंगे कि अगर मेरे पास 100 करोड़ रुपया है तो मैं देख लूंगा कि 20 मेरे ओनर का लगाऊंगा तो मैं 80 लेके आऊंगा, ये स्ट्रक्चर डिसाइड करने के लिए यहाँ पे हम लोग फाइनेंशियल लीवरेज देखते हैं। स्टेज, ये फर्स्ट स्टेज होता है ऑब्वियसली, अगर ये फर्स्ट है तो ये सेकंड स्टेज हो जाएगा, इस तरह से आप इसका नॉर्मली याद रख सकते हो। ये वीडियो को 2-3 बार देखिएगा तो एग्जाम में आप लिखना होगा तो वो बड़े आसानी से आप उसको लिख भी सकते हो। आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, अगर कोई और टॉपिक चाहिए और डाउट है तो लीव अ कमेंट। आई विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद।